घर को मेंटेन करने का सबका अलग अलग एंड अपना तरीका होता है, लेकिन कई बार हम फ्रस्ट्रेटेड होके ये सोचने लगते हैं कि घर को मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज्ड करना इज़ रियली ए टफ टास्क। बट आज के इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सारे क्वेश्चन का जवाब लेके आई हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपके साथ कुछ ऐसे बातें एंड हैक्स शेयर करने वाली हूँ, जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका घर भी वेल मेंटेन होने के साथ साथ वेल ऑर्गेनाइज भी हमेशा के लिए रहेगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मेरे इस चैनल को एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑल्सो, ताकि आपको मेरी इस तरह की न्यू वीडियो हमेशा मिलती रहे। सो इट्स टाइम फॉर होम ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स स्टार्ट। सुबह सुबह तो हम अपने बेड को अच्छी तरह से क्लीन करते हैं और सारी चीज़ों को सुबह हम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। बट सुबह सुबह बेड को लगाने के बाद मेरे पास एक छोटा सा बेबी, और उसे मैं कितना भी मना करती हूँ कि आप नीचे खेलो, मैंने उसके लिए अलग से नीचे प्लास्टिक मैट बिछाए रखती है, बट वो बेड पर ही अपने सारे टॉयज एंड सारे बुक्स को ला के खेलता है। मैं भी उसे कई बार मना नहीं कर पाती हूँ और उसके साथ ही इसी चीज़ में इंजॉय भी करने लगती हूँ। देन अगर हम बेडरूम की थोड़ी सी क्लीनिंग कर रहे हैं, लाइक ड्रेसिंग टेबल साफ कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो सारे सामान हम कहाँ रख देते हैं? अपने बेड पे। तो इस तरह से बेड बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और रात में थके होने के कारण हमें बेड को फिर से क्लीन करने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तो इस चीज़ का सलूशन ये है कि जब मैं सुबह अपने बेड को लगाती हूँ, उसके ऊपर मैं एक और चादर को बिछाती हूँ। एक और चादर लगाने के ये फ़ायदा होता है कि सारी जो भी गंदगी है या जो भी मेस होता है वो इस चादर पे होता है। चाहे मेरा बेबी खेले, चाहे मुझे कुछ क्लीन करना हो, सारा चीज़ ये बेडशीट पे होता है। और रात में सोने के टाइम बस इस बेडशीट को हटा दिया एंड नीचे हमारा बिल्कुल क्लीन बेडशीट तैयार रहता है, ना कोई मेहनत लगती है और नींद परफेक्ट आती है। तो नेक्स्ट बार से सुबह जब आप अपने बेड को क्लीन करें, साथ ही उसके ऊपर एक और चादर को ज़रूर अप्लाई करें। अब हम आते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। हमारे वॉशरूम में ब्रश, पेस्ट और बहुत सारे ऐसे इसेंशियल सामान होते हैं जो सीधा हम अपने बेसिन में ही रखते हैं। अब होता ये है कि दोनों ब्रश आपस में सड़ जाते हैं, दोनों के जर्म्स, बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो एक दूसरे में मिक्सअप होते रहते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे घर के लिए भी अच्छा नहीं है। और ऊपर वाले सेल्फ में रहता क्या है? टूथपेस्ट, फेस वॉश और कुछ इसेंशियल सामान। इसके बगल में रहता है हैंड वॉश। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही क्लटर लगता है एंड जिस कारण से बाथरूम का लुक काफ़ी ज़्यादा डल हो जाता है। इसके लिए मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र लिया है। आप देख सकते हैं इसमें तीन सेक्शन है। ये इसमें ब्रश रखने का सेक्शन है। इस वाले सेक्शन में आप अपने फेस वॉश, पेस्ट, टूथपेस्ट ये सब वगैरह रख सकते हो। एंड दिस सेक्शन इज़ फॉर हैंड वॉश। तो इन सारी चीज़ों को मैं लगा के इस ऑर्गेनाइज़र में रख रही हूँ। एंड देन इसे सेटअप कर दूंगी अपने बाथरूम में। वेल, घर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है बाथरूम, जिसे हम अक्सर ही नेगलेक्ट कर देते हैं। बट बाथरूम को भी ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी के घर में कुछ ना कुछ हार्डवेयर का सामान ज़रूर होता है, जैसे ये प्लास हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, टेस्टर हो गया, फेविकॉल, सेलो टेप, सीजर, ये सारे कुछ हार्डवेयर के सामान जब हम कोई नेल को फिट करते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर इन सारी चीज़ों को प्रॉपर जगह नहीं दी जाए तो ये सारी चीज़ आपके घर को क्लटर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि एक इस तरह का लंबा वाला ऑर्गेनाइज़र लेती हूँ और इसमें मैं सारे हार्डवेयर के सामान रखती हूँ, जो भी होता है, लाइक सेलो टेप, प्लास, स्क्रू ड्राइवर एंड यस, एक नेल का डब्बा। इसमें घर के सारे नेल वगैरह मैं रखती हूँ और इसे एक डब्बे में करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं, इधर उधर बिखर जाएंगे। तो ये वाली चीज़ को भी मैं इस ऑर्गेनाइज़र पर रखती हूँ और बस जब ज़रूरत हुई तो इस वाले ऑर्गेनाइज़र को निकाला एंड सारा काम हो जाता है। और इसे मैं एक वार्डरोब में स्टोर करती हूँ। सुबह सभी के घर में जल्दबाजी तो मची रहती है। किसी को स्कूल जाना रहता है, किसी को ऑफिस जाना रहता है, किसी को अपने काम पे जाना रहता है। और सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के समय हमें पता चले कि कंटेनर में तेल ही नहीं है, चीनी के डब्बे में चीनी ही नहीं है, तो वहाँ पर हमारा टाइम कितना ज़्यादा किल हो जाता है। तो इसलिए रात को सोने से पहले मैं इन सारी चीज़ों को एक बार ज़रूर चेक करती हूँ। अगर ऑयल वाले कंटेनर में ऑयल ख़त्म हो गया है तो मैं उसे रात में ही फिल कर देती हूँ।
ताकि सुबह मेरा टाइम किल ना हो और मूड भी डिस्ट्रॉय ना हो। तो रात में सोने से पहले एक बार किचन में जरूर देख ले कहीं कोई कंटेनर खाली तो नहीं है, यदि खाली है तो उसे वहीं पर फिलअप करके सुबह के लिए अपने किचन को तैयार रखें। अगर ड्रेसिंग टेबल को सही तरह से ऑर्गेनाइज ना किया जाए तो उसका कुछ दिन में ऐसा हालत हो जाता है, कोई भी सामान हमें जगह पे नहीं मिलता है। तो मैंने अपने क्लचर एंड गडर के लिए इस तरह का बेल्ट ऑर्गेनाइजर बना के तैयार किया है। इसकी वीडियो मैंने आप लोग के साथ पहले ही शेयर कर दी है, तो आप जाके उसे वहाँ चेक कर सकते। बाकी जो भी हमारे डेली थिंग्स होते हैं जिन्हें हम अपने ड्रेसिंग टेबल के एरिया में रखते हैं, तो वो मैं यहाँ पर स्टोर करती हूँ। मेरा ड्रेसिंग टेबल है छोटा सा, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा सामान को स्टोर नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैं अपने डेली थिंग्स को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो सबसे पहले इसे मैं क्लीन कर रही हूँ। देन यहाँ पर कुछ जो सामान होते हैं जो स्टैंड रहते हैं लाइक कंघी हो गया, तो उन सारी चीज़ों को इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में मैं स्टोर कर रही हूँ। यहाँ मैंने दो ऑर्गेनाइज़र लगाया, पहले ऑर्गेनाइज़र में मैं रखूँगी सारे कंघी वगैरह एंड सेकेंड ये जो छोटा वाला ऑर्गेनाइज़र है इसमें मैं रखूँगी अपने बेबी का क्रीम, लिक्विड सिंदूर, काजल, लिपस्टिक, लिप लाइनर, जो जिन्हें हमें स्टैंड मोड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो समय पे मिले। तो इसे मैं इस ऑर्गेनाइज़र में स्टोर कर रही हूँ। बाकी जो बॉडी लोशन होते हैं, डिओड्रेंट, परफ्यूम वगैरह होते हैं, उन्हें मैं यहाँ पर रख रही हूँ। देन थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए यहाँ मैं एक आर्टिफिशियल प्लांट लगा रही हूँ। अब इस तरह का मैंने एक फ्लैट ऑर्गेनाइज़र लिया है और इसे मैं इसमें फिट कर रही हूँ। देन हमारे जो डेली क्रीम्स होते हैं लाइक मॉइस्चराइज़र हो गया, अभी गर्मी के दिनों में हमारे पास टैनिंग की क्रीम रहती है, तो वो सारी चीज़ को मैं यहाँ पर लगाती हूँ। इस तरह से फ्लैट एंड स्टैंड वाले ऑर्गेनाइज़र को रखने से आपके ड्रेसिंग टेबल का एरिया काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है, प्लस ये सारी आदतें आपके घर को ऑर्गेनाइज रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सभी चीज़ों को अपना स्पेसिफिक जगह दीजिए। जगह देने से होता क्या है कि हम जहाँ से सामान को उठाते हैं हम फिर वहीं पर जाके सामान को रखते हैं। तो इस तरह से मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के एरिया को ऑर्गेनाइज करती हूँ। साबुन का यूज़ करने के बाद लास्ट का जो पोर्शन होता है हम जनरली उसे फेंक देते हैं या वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो इन बचे हुए साबुन का आपको मैं एक बेस्ट तरीका बताती हूँ कि आप क्या करें कि कोई भी पुराना मोजा ले लें या जो सिंगल मोजा होता है जिसका एक पार्ट खो जाता है, उस मोजे को आप यहाँ पर ले लें, इसमें डाल दें आप ये सारे साबुन और इसे एक क्लीनर के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरह के साबुन को अपने बेसिन को क्लीन करने में यूज़ करती हूँ। एक स्क्रबर से ज़्यादा अच्छी तरह से क्लीन होता है, प्लस इसके साथ एक जो फ्रेग्रेंस होती है ये आपके बेसिन के एरिया को और ज़्यादा क्लीन कर देती है। तो बेसिन तो इससे बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है, बट ये गीला मोजा अगर आप कहीं पर रख देंगे तो इसमें बैक्टीरिया लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो क्लीन करके आप इसे सीधे धूप में सूखने के लिए छोड़ दें। तो ये सारी कुछ ऐसी आदतें हैं जिसे आप अगर अपना ले तो आपका घर भी वेल ऑर्गेनाइज रहने के साथ साथ वेल मेंटेन भी रह सकता है। मेहनत बिल्कुल नहीं है, बस हमें ऑर्गेनाइजेशन के सही तरीके मालूम होने चाहिए जिससे हम मिनटों में अपने घर को मेंटेन कर दें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर ज़रूर करें क्योंकि शेयर करने से आप आगे वाले की हेल्प कर सकते हैं। चलिए मैं प्रिया फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूजफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।